हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश के पेपर सैंपल पेपर लेके आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो आपका जो एग्ज़ाम है 13 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो उसका हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। ठीक, ओरिजिनल पेपर की बात कर लें तो जितना भी जिला है, सबका जिला जो भी हम पेपर आपको देते हैं, तो सभी बच्चों का कमेंट आता है कि मेरा नहीं लड़ा, कोई बच्चा कमेंट करता है कि मेरा लड़ गया। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जिला का क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनता है। ठीक, अलग अलग तैयार होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, यदि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, हम जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, इसका मतलब कि आपको पढ़ ही के जाना होगा। ठीक, पढ़ के आपको जाना होगा, और यदि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें अपना क्वेश्चन पेपर आप फोटो लेकर जरूर भेज दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक, इंस्टाग्राम पे हो सके, पॉसिबल हो सके तब आप भेज दीजिएगा। ठीक, ज़रूर भेज दीजिएगा। और जो आपका ओरिजिनल पेपर है, हम तो जैसा कि बोल ही दिए, ओरिजिनल पेपर के लिए जो भी हम आपको पेपर देंगे तो वो कंफर्म नहीं है कि लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, क्योंकि सभी जिला का अलग अलग होता है। ठीक, हम आपको दे देते हैं, आप कमेंट में बोलते हैं कि मेरा नहीं लड़ा था। ठीक, कोई बच्चा बहुत बच्चा का लड़ता भी है, बहुत बच्चा का नहीं भी लड़ता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपका एग्ज़ाम, यदि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेज देना है। जो भी हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ ही के जाना है। ठीक, हम संभावित प्रश्न सबके लिए करवाएंगे कि टोटल जिला के लिए, टोटल A to Z के लिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कैसा कैसा प्रश्न आएगा सैंपल पेपर है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये वाला देख सकते हैं, ये VBA क्वेश्चन उस बार आया था, अर्धवार्षिक में ये वाला क्वेश्चन आपका आया था। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। सर्कल दी वर्ड डैट डज नॉट फिट इन दी ग्रुप्स। जो ये ग्रुप है, पहला नंबर ये जो ग्रुप है, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, रोड, ये चारों में से एक ऐसा वर्ड है कि इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, वो एकदम अलग है। तीन एक प्रकार का है और एकदम अलग है, ऐसा कौन कौन है? तो माउंटेन, रिवर और फॉरेस्ट, ये तीनों जो है जंगल, नदी और पहाड़, जितना भी, ये सब तीनों क्या है, ये सब मानव प्राकृतिक है और ये क्या है, मानव निर्मित है। ठीक, तो ये तीनों एक तरह का है और ये रोड जो है मानव निर्मित है, तो इसमें आपको क्या करना है, गोला लगा देना है, बस आपका आंसर सही हो गया। ठीक, ये उस बार का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आई नोज लिप्स लेग। इसमें देखिए आईज नोज लिप्स जो है, यहाँ पे बना देते हैं आईज नोज लिप्स, ये तीनों जो है गर्दन के ऊपर का हिस्सा है तीनों, और जो लेग है गर्दन के एकदम नीचे का, एक जो है नीचे का हिस्सा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, लेग हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, डोर, विंडो, रूफ, फील्ड। यहाँ पे देखिए डोर, विंडो, रूफ, ये तीनों जो है घर का पार्ट है, घर का एक पार्ट है। ठीक, रूम का एक पार्ट है, और ये जो फील्ड है ये एकदम अलग है, तो इसमें आप गोला कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, केक, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब खाने का चीज़ है और कोल्ड ड्रिंक जो है पीने का चीज़ है, तो इसमें आप गोला कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पढ़ लिया अच्छा से, बहुत अच्छा से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दी वेयर एवर नेसेसरी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे भरते हैं, ए एन डी भरना है आपको। ठीक, तो चलिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन में क्या लगेगा, तो ओल्ड मैन ओ भवेल है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, एन ओल्ड मैन वॉकिंग विद स्टिक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ स्टिक। ठीक, कॉन्सोनेंट है, तो ही वांटेड टू क्रॉस दी रोड, क्रॉस दी रोड हो जाएगा। ठीक, बट ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक, उस साल आया हुआ है। ठीक, बट कुड नॉट अ स्कूल बाइक केम देयर एंड हेल्प हिम क्रॉस दी रोड, बस हो गया आपका, भरा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, री राइट दी फ्लोइंग सेंटेंसेस, यूज करेक्ट पनिशिनेशन प्रोनंसिएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। तो ये आपका 8 मार्क्स का है, आपको क्या करना है, इसका प्रोनंसिएशन सही करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं कहाँ एपोस्ट्रोफीस लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, वही सब आपको देखना है। यहाँ देखते हैं माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता है, माई फ्रेंड्स,
यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, फिर एस होता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डी फ्रेंड और एस के बीच में एपोस्ट्रॉफी एस आपको लगा देना है यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक, और सब करेक्ट है यहाँ पे राकेश में लगाया हुआ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डू यू लाइक केक, क्या आप केक खाना पसंद करते हैं, केक आपको पसंद है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है तो, ठीक। आपको क्या करेगा निगेटिव सेंटेंस भी दे देगा, आपको सेंटेंस दे देगा उसको निगेटिव में चेंज करने के लिए बोल देगा, ठीक। ऐसा कैसा क्वेश्चन आप आएगा आपको, हम इस यही आपको बता रहे हैं, ये सेंटेंस दे देगा इसको निगेटिव में चेंज करना बता देगा, ठीक, इंट्रोगेटिव में चेंज करना बता देगा, बोल देगा करने के लिए, ठीक, उस साल जैसा कि आया था, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें तो दिया है प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन के ऊपर, तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, हेलो प्लीज टेल मी दी वे टू स्टेशन, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हेलो के पास कॉमा लगेगा, ठीक, हेलो तो कॉमा लगेगा, हेलो और प्लीज के पास कॉमा लगेगा दोनों के बीच में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, क्या है, रीता बबीता एंड सरिता गो टू स्कूल टुगेदर, तो इसका क्या हो जाएगा, सरिता और बबीता दो है यहाँ कॉमा लग जाएगा, ठीक, गो टू कॉलेज स्कूल गो टू स्कूल टुगेदर, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीन कर लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर चार के बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका उस साल आया हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड के बारे में लिखना है, ठीक। वॉट डिड टेस वॉन्ट टू बाई फ्रॉम द केमिस्ट, ठीक, इस सबका आंसर हम आपको दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, ठीक। हु कॉल्ड लिटिल प्रिग टू हुम डिड द मिनिस्टर्स डाउटर सेंड टू द किंग, ठीक। चार क्वेश्चन आपको है यहाँ पे देख लीजिए, चौथा क्या है, वेयर डज आइसक्रीम मैन गो टू सेल आइसक्रीम्स, तो चलिए आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड टेस वांट टू बाई फ्रॉम द केमिस्ट, तो यहाँ देख लीजिए टेस वांट टू बाई अ मिराकल फॉर द ब्रदर सेव हिम, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हु कॉल्ड लिटिल प्रिग टू हुम, ठीक, तो आंसर क्या है यहाँ पे, द माउंटेन सेड दिस टू द स्क्वायरल, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या था आपका, तीसरा, हुम डिड द मिनिस्टर्स डाउटर सेंड टू किंग, आपके आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर्स डाउटर सेंड वन फुल मैन ऑफ द किंग, ठीक। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है वेयर डज आइसक्रीम मैन गो टू सेल आइसक्रीम, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइसक्रीम मैन गोज फ्रॉम स्ट्रीट एंड नियर स्कूल्स, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक। 10 मार्क्स का क्या आता है आंसर, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में आपको लिखना आएगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन दो क्वेश्चन देगा ऑप्शन में, चाहे तो आप एक ये बना दीजिए, नहीं तो आप ये बना दीजिए, कोई एक बना दीजिए, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का देखते हैं, हाउ कैन यू से डैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द सेपरेट आंसर, ठीक। और दूसरा का क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ मेजर फॉर मेजर्स मेसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड में आंसर देना है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, पहला का आंसर यहाँ पे देखते हैं, द किंग डिड नॉट आस्क एनी थिंग एल्स फ्रॉम द सेपरेट आफ्टर राइजिंग थ्री फिंगर्स दी सेटिस्फाइड इन आंसर्ड हैज डेनिज, रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं, डेनिज्ड सेकरिंग हिज हेड इन सेइंग नो, देन द किंग एक्सप्लेन टू द कोर्ट दैट ही वॉज सेटिस्फाइड विद द सेपरेट आंसर, ठीक। दूसर का आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक, जो दूसर का मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, राइट द स्टोरी ऑफ मेजर फॉर मेजर इन योर ओन वर्ड्स, तो दूसरा का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। तेनालीराम जो आपका बुक से कहानी था उसी का है, ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा लिख दीजिएगा, ठीक। और भी हम प्रश्न कराएंगे और भी सब्जेक्ट का, ठीक, तो टोटल आपको पढ़ ही के जाना होगा, ठीक,
यहाँ पे टोटल पढ़ के जाना होगा, सब जिला का अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि शायद आपको रियल पेपर मिल जाए। ठीक, यदि आपका पेपर आ गया, यदि आपका आपको पेपर एग्ज़ाम पहले हो गया तो इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर भेजिएगा, हो सके तो हम आपको वहाँ पे अवेलेबल ज़रूर करवा देंगे, देखेंगे कि आपका कैसा कौन वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मिशन रिजल्ट के नाम से है, मिशन MISSION मिशन रिजल्ट, जो हमारा चैनल है उसी के नाम से इंस्टाग्राम है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज जरूर कीजिएगा। पेपर यदि आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप फोटो खींच के ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू।